ठाकुर जी एक हैं और ठाकुर जी की राधा रानी एक हैं, तो सरकारों को नहीं लगता कि सब जगह एक जैसा होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सब भाग रहे हैं, भागते हैं। आज देखिए ना, अब आपने इंटरव्यू लिया, देखना पावड़ा हो जाएगा कि बिहारी जी को, अरे बिहारी जी तो है ही, क्यों नहीं है बिहारी जी? सबके लिए आनंद है, आप चिंता मत करिए, और भी आनंद होंगे। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। पीड़ा है, वो आसानी से किसी को दर्शन नहीं देता, तो जो उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करेगा वो टेढ़े तरीके से आएगा, वही यहाँ तक पहुँच सकता है। सीधा आदमी तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, तो सीधे सीधे ठाकुर जी वैसे भी नहीं मिलते। प्रशासन की कमी लग गए हैं, प्रशासन जो है बिहार जी मंदिर के पीछे ही है, सनातन के मंदिर है, जिन्होंने सनातन गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन को उद्धार किया था, उन्हीं को ही भूल रहे हैं। प्राथमिकता भीड़ को दी जा रही है, मंदिर को नहीं दी जा रही। यात्रा का मतलब उनके रास्ते में क्या हुआ? वहाँ से बिहारी जी के मंदिर के यहाँ तक आने का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। प्रशासन के इधर से बेड बंद, इधर से दरवाजा बंद, इधर से नहीं आ सकते, उधर से नहीं आ सकते। मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए तब जाकर के मैं मदन मोहन मंदिर। देवालय है वृंदावन का, राधा मदन मोहन जी, यहाँ की राधा रानी जो है हमारी बहुत पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध राधा रानी है, तो सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आके दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं। एक प्राण दो दे, दे अलग अलग है लेकिन प्राण उनमें एक ही है। देखिए, राधा मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन वास। बारे में बताते हैं, जो गीता युग के ठाकुर जी हैं, सीता माता ने भी सेवा करी, और जो शत्रुघ्न जी ने यहाँ पे आके बसाया मथुरापुरी, मथुरापुरी शत्रुघ्न जी ने बसाया, तो शत्रुघ्न ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आया, भैया मैंने उनको दिए, उदय पुराने ठाकुर जी हैं। गीता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद कलयुग पर भी आ गए, उसके बाद सनातन गोस्वामी के सेवक तो है, इसलिए उनकी महत्ता तो है ही। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। मैं इस समय मदन मोहन मंदिर में हूं और राधा अष्टमी के दिन यहां बिल्कुल अलग महात्म है। आइए पूछते हैं कि आखिर आज राधा अष्टमी के दिन जो दर्शनार्थी यहां पर आए हैं, उनका यहां होने का क्या मतलब है और क्या मायने हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही वृंदावन के हैं, मदन मोहन मंदिर के ही गोस्वामी हैं। अच्छा, यहीं के गोस्वामी हैं। तो कैसा है आज राधा अष्टमी का यहाँ आयोजन? भव्य आयोजन है, राधा रानी का हर साल यहाँ पे आयोजन होता है इसका जी, और बहुत सारे भक्तगण आते हैं। आज के दिन का तो विशेष महत्व है क्योंकि आज राधा रानी का जन्म उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अभी राधा रानी का रायनून से अभिषेक होगा, आरती उतारी जाएगी, अभी भव्य श्रृंगार के दर्शन, जब तक अभिषेक के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं जब तक हम श्रृंगार दर्शन ना करें। तो अभी जो लोग बांके बिहारी के चक्कर में दर्शन लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मंदिर के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि ये प्राचीनतम देवालय है वृंदावन का, राधा मदन मोहन जी, यहाँ की राधा रानी जो है हमारी बहुत पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध राधा रानी है, तो सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आके दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं और पुण्य कमाएं आज राधा अष्टमी के दिन। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं कि आखिर राधा अष्टमी का उनके लिए क्या मायने हैं। ठीक है, राधा अष्टमी का आयोजन है मदन मोहन मंदिर में, और इस मंदिर का आयोजन अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि यह इस धरती पर सबसे प्राचीन मंदिर है, यानी ब्रज रज में सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मुगल कालीन व्यवस्था में यहाँ के मंदिर के देख रेख की व्यवस्था थी, लेकिन आज जब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की सरकारें हैं तब यह गायब है। आइए बात करेंगे यहाँ के इस समय के सबसे बड़े सेवक, सबसे बड़े पुजारी सनातन किशोर देव जी से, इन्हीं से पूछेंगे आज कैसा है आयोजन राधा स्वामी का। ऐसा है कि एक समय पर सूर्य देव ने भगवान की तपस्या की, तपस्या से वो गुफा में चले गए, तो वहाँ पर जाने से अंधकार हो गया, देवता और सब परेशान हुए, तो भगवान विष्णु वहाँ गए, तो उन्होंने जाकर कहा बताइए तपस्या पूरी हुई, अब तो बाहर आ जाए, तो मुझे भर दो। तो मुझे एक सुंदर कन्या मिले जिसका मैं आपके साथ विवाह कराऊँ,
तो महा तटस्थ द्वापर युग में विश्वान राजा के रूप में ये विश्व में प्रकट हुए, उनकी जो कन्या के रूप में होंगे, इनका कश्यप गोत्र रहा। और ये आज के दिन मूल नक्षत्र में इनका अवतार, और ये जो अभिषेक होता है ये उनका जन्म जयंती का अभिषेक है। इसमें सर्वौषधि महौषधि गंध पंचामृत पंचगव्य इन सबसे उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद श्रृंगार होकर अब उनका अधिवास होगा। अभी अधिवास का मतलब क्या होता है? ऐसा है, अधिवास जो होता है बामन चीज है, मही गंध शिला धान्य दूर्वा पुष्प फल गोलोचना सोना चांदी इनसे उनका वर्ण किया जाता है, इसका नाम है अधिवास। ये बड़ी बात है कि अब अनिवास के बाद फिर राधा अष्टमी का क्या समापन होगा या फिर ये उत्सव चलता रहेगा? आज एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में होता है। ये थे सनातन स्वामी जी, इन्होंने हमें बताया कि आखिर राधा अष्टमी कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। भक्तों के लिए क्या संदेश बोलेंगे आज? राधा रानी जो है भगवान की आराधनी शक्ति है। दो शक्ति है ईश्वर की, एक है चित शक्ति, एक है आराधन शक्ति। चित शक्ति है दुर्गा और आराधन शक्ति है राधा रानी। इनको प्रभु हमेशा अपने हृदय में लेकर विराजते रहते हैं, और ये इस समय पर प्रकट होने के समय पर सबके सामने आवृत्ति है। ये बड़ी बात है कि जो प्रभु के हृदय में राज करती हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। और ऐसे राधा रानी की जन्मोत्सव की छटा देखने वाले हर भक्त को आज प्रभु अपने आप मिलेंगे, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर राधे राधे पुकारेंगे तो श्याम अपने आप चले आएंगे। धन्यवाद। तो आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। वृंदावन से हैं, तो कैसा लग रहा है मदन मोहन जी का? नहीं, प्रति वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ में राधा मदन मोहन मंदिर में श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जी। हाँ। तो कैसा लग रहा है इस समय? तो चारों तरफ इस समय ब्रज में आनंद और उल्लास है, और सभी लोग ब्रजवासी लोग अपने आप को राधा जी का जन्मोत्सव मना करके धन्य महसूस करते हैं और कृतार्थ मानते हैं। लेकिन अभी जब मैं मंदिर के यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था ही बड़ी कठिन है, शासन प्रशासन ने जो अभी व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसा है कि प्राचीन मंदिर है ये, और आजकल नव युग का जमाना है, तो जो प्राचीन मंदिरों का थोड़ा लोप सा इनके प्रचार प्रसार में लोप है, और नवीन मंदिरों का ज्यादा प्रचार प्रसार है, इसलिए भीड़ उधर ही ज्यादा होती है, इधर कम होती है। कहने का मतलब कि आजकल तड़क भड़क वाले गोपाल जी के दर्शन हर कोई करना चाहते हैं। ये वृंदावन का प्राचीन मंदिरों में से सबसे पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर, 450 साल। चलिए, तो क्या बोलेंगे लोगों से, मदन मोहन मंदिर क्यों आए लोग? मदन मोहन मंदिर आने से अगर एक बार शांत चित्त से दर्शन करने में, जो आज से 500 वर्ष पूर्व सनातन किशोर गोस्वामी को जो आराध्य के रूप में प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार से जो आराध्य के रूप में इनको मानना चाहता है उसको आराध्य के रूप में आए भी भगवान उसी रूप में दर्शन मदन मोहन जी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये भक्त हैं और कृष्ण वत्सल इनके दिमाग में है। कहते हैं कि राधा जी कृष्ण के दिल में बसती हैं और कृष्ण वृंदावन के हर भक्तों के दिल में बसते हैं। हमारे और कहते हैं एक प्राण दो देह, प्राण अलग अलग है, दे अलग अलग है लेकिन प्राण उनमें एक ही है, एक ही है। हाँ। और ऐसे भी यहाँ कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण जो है राधा जी की प्रेम रूपी उपासना है, वो भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं। राधा मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन वास।
राधा रानी की जय। बोलो राधा मदन मोहन लाल की जय। यही है, यही है राधा रानी की कृपा। मदन मोहन जी के घेरा के चौधरी हैं। अरे वाह, ये 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 राधा राधा रानी की कृपा है और आज राधा रानी का राज है। तो बोले क्या बोलेंगे मदन मोहन? राधा रानी की जय। और ऐसे आते रहिए, दर्शन करते रहिए। ये अलग 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 लोगों की अलग अलग भाषा है, लेकिन आज राधा राधा रानी का जो वात्सल्य है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, आइए देखते हैं ये देखते हैं, पूछते हैं कि आज राधा अष्टमी है और कहते हैं कि राधा जी को याद करने से श्याम अपने आप चले आते हैं, तो मदन मोहन मंदिर में जो सबसे प्राचीन मंदिर है वहाँ का क्या महात्म्य है? राधे राधे, सब तो देवालय हमें सबसे प्राचीन मंदिर। हाँ, ये विशेषता है कि राधा रानी के अभिषेक में आपने दर्शन किए और राधा रानी तो बुलाने से ही कृष्ण आते हैं। तो मदन मोहन जी का क्या कहें, मदन मोहन जी के दर्शन करने से और राधा रानी का अपना नाम बोले और ये सबसे पहले वृंदावन का प्राचीन मंदिर है और हमारे बहुओं ने बच्चों ने कह ही दिया इसके बारे में हम और क्या कहें। ये बड़ी बात है। आज ऐसा लग रहा है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की आभा सभी में दिख रही है, क्योंकि जो कोई भी कृष्ण भक्ति से मदन मोहन के इस मंदिर में है वो आज साक्षात श्याम से मिलन कर रहा है राधा जी के थ्रू उनके जन्मोत्सव पर। क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जहां राधा जी का नाम हो, राधा रानी हो, वहां श्याम ना हो। इसलिए आज का यह दर्शन अपने आप में खास है। और देखते हैं एक छोटी सी राधा रानी जैसी छटा एक दिख रही है, तो ये मदन मोहन है, राधा रानी है। इधर आ जाओ, ये फोटो बनाओ इनकी। ये देखो, ये हमारी घर की सबसे छोटी राधा रानी है। क्या बोलोगे? बाल रूप में है और राधा रानी का स्वरूप है। ऐसे ऐसे मातृ शक्ति को, ऐसे राधा शक्ति को सादर नमन। तो आप तो मदन मोहन मंदिर आए जी, तो कैसा लगा यहाँ तक की यात्रा में आने से? यात्रा का मतलब तो रस्ते में क्या हुआ? हाँ, वहाँ से बिहारी जी के मंदिर के यहाँ तक आने का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। प्रशासन के इधर से बेट बंद, इधर से दरवाजा बंद, इधर से नहीं आ सकते, उधर से नहीं आ सकती। मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए तब जाकर के मैं मदन मोहन मंदिर। क्या बोलेंगे शासन से ऐसे बुजुर्गों के लिए, बाकी बिहारी के कारण सब में कैद? जबकि हमें बिहारी जी के मंदिर पर कहा हमें मदन मोहन मंदिर जाना है, सिर्फ हमारे को 2 मिनट का रास्ता खोल दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहा बिल्कुल नहीं, बोलेंगे कि आप कहीं से जाइए, कहीं से आइए, हमें मतलब नहीं। उन लोगों ने हमारी पीछे निकली और कह दी जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना। ये बाकी बिहारी जी की अपनी है ना, इतना लगाव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 18वीं पीढ़ी से मैं बात करने चल रहा हूँ, जो इस मंदिर में अभी 13वीं पीढ़ी के हाथ में मंदिर की देखरेख है। और यह 18वीं पीढ़ी के लोग हैं जो आज राधा अष्टमी का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं और शायद सनातन सभ्यता में बढ़ती हुई विरासत को संभालने की एक इनकी अपनी ललक होगी। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रजेश गोस्वामी हूँ, इसी वंश में हूँ और राधा मदन मोहन जी का सेवक हूँ। राधा मदन जी सनातन गोस्वामी के वंशज हैं जी। सनातन गोस्वामी की पूरी व्यापी सेवा चली आ रही है, उसके मतलब हमारे पिताजी
जुगल किशोर गोस्वामी, उनकी किताबें थी वैली किशोर गोस्वामी, ये लोग हम सनातन गोस्वामी की तरफ हैं और सनातन गोस्वामी की पीढ़ी की तरफ भी ये चली आ रही है। राधा स्वामी का उत्सव प्रतिवर्ष इसी तरीके से इसी उल्लास से मनाते हैं। ये जो श्री विग्रह है ये सनातन गोस्वामी की सेवित विग्रह है और 600 साल पुरानी है। ये जो जिस स्थान पे आप खड़े हैं श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, इस जगह की अपनी खुद की प्रमुखता है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और राधाअष्टमी से पहले जैसे कि पता है कि कल हमने ललिता सप्तमी का उत्सव मनाया और आज हम राधाअष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना है किसी तरह हर वर्ष अपनी सेवा में निस्थान। चलिए, एक एक तो है कि आप राधाअष्टमी मना रहे हैं और आप प्रोफेशनली एक विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो वहाँ की दुनिया और जब आप यहाँ मंदिर की सेवा में आते हैं तो क्या फर्क लगता है? फर्क है, लेकिन क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो मथुरा धाम में ही है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय में पूरे देश भर के बच्चे आते हैं तो थोड़े कल्चरल वेरियंसेस जरूर आते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि हम इस मंच में पैदा हुए हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर है, तो उस दुनिया से वापस जब इस दुनिया में आते हैं तो वापस से उसी परिवेश में खुद को समाहित करते हैं। मतलब जब आप चाकरी करते हैं मदन मोहन जी की, तब आपको लगता है कि आप असली सेवा भक्ति कर रहे हैं? एक्चुअली असली सेवा तो हम उन्हीं के हैं, वो तो बाह्य जगत है जिसमें हम टेंपरेरीली रहते हैं, तो हमारा रियल वर्ल्ड तो यही है। दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इसी तरीके से कि जैसे कि आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं वो अंतपुगत्वा हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी अपने अस्तित्व को पहचाने, यही उनका अस्तित्व है, यही उनकी प्रमुखता है, यही उनकी प्राथमिकता है, इसको छोड़ के वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ना जाए, अपने अंदर भक्ति का संचार बनाए। जैसे बांके बिहारी मंदिर अभी मैं गया, वहाँ बड़ी तड़क भड़क और ऐसी भीड़ थी कि वहाँ लोग अपने आप को बचाते हुए निकलने का प्रयास कर रहे थे, और वहाँ से निकलने के बाद मदन मोहन मंदिर आने तक के सभी रास्ते लगभग बंद थे, ऐसे बंद थे कि चलो हमें मदन मोहन जी आना है, हम चक्कर लगाते हुए घूमते हुए आए और यहाँ आने की जो रास्ते की पैदल चलने का रास्ता 5 मिनट का है वो हमारा ठाकुर टेढ़ा है, वो आसानी से किसी को दर्शन नहीं देता, तो जो उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करेगा वो टेढ़े तरीके से आएगा वही यहाँ तक पहुँच सकता है, सीधा आदमी तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, तो सीधे सीधे ठाकुर जी वैसे भी नहीं, आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। शासन एक मंदिर के पीछे लग गए, शासन जो है बिहार जी मंदिर के पीछे ही है, सनातन के मंदिर है जिन्होंने सनातन गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन को उद्धार किया था उन्हीं को ही भूल रहे हैं, प्राथमिकता भीड़ को दी जा रही है, मंदिर को नहीं दी जा रही। ये बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए कि जब आपने सवाल का जवाब दिया तो वो जवाब भी अपनी जगह अच्छा था, क्योंकि कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता और मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है, लेकिन इस धाम तक आने के लिए ठाकुर जी की चौखट पर हाजिरी लगाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, हर कोई नहीं, लेकिन बड़े आसानी से नहीं पहुंचता, लेकिन वैसे भी यहाँ वही आता है जहाँ यहाँ की इम्पोर्टेंस उसको पता है, और इम्पोर्टेंटली जो ठाकुर जी जिसको अपनी तरफ खींचता है वही तो पहुंचेगा, अगर हर आदमी आ गया तो वो भाग्यवान नहीं हुआ, हर आदमी इतना भाग्यवान नहीं है, आप है और मैं हूँ इसलिए हम यहाँ खड़े। चलिए, ये बड़ी बड़ी बात है क्योंकि यह बाजार नहीं है, यह ठाकुर जी का अपना धाम है और ठाकुर जी की अपनी कृपा यहाँ पर है, प्रशासन की लापरवाही, उनकी कमी और भक्तों को खासकर बुजुर्गों को जो कष्ट हो रहा है यहाँ तक आने में वो बड़ा बड़ा अलग तरीके का है। अब आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर परिचय दीजिएगा और राधा अष्टमी और मदन मोहन मंदिर में राधा अष्टमी कितनी खास है? ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, वो त्रेता युग के ठाकुर जी हैं, सीता माता ने भी सेवा करी और जो शत्रुघ्न जी ने यहाँ पे आके बसाया मथुरापुरी शत्रुघ्न जी ने बसाया, तो शत्रुघ्न जी ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आए, मैया मथुरा मैंने उनको दिए, बड़े पुराने ठाकुर जी हैं, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद कलयुग पर भी आ रहे हैं, उसके बाद सनातन गोस्वामी के सेवित है, इसलिए उनकी महत्ता तो है ही, अति महत्ता है। तो आज कैसा लग रहा है राधा अष्टमी के दिन? मन भी भोर है, तो गुड़गांव में बैठे हुए लोगों के लिए क्या कहेंगी आज? वो भी आए, अगली अष्टमी यही मनाए, मतलब सैटरडे संडे की बजाय ऐसे आना चाहिए ऐसी जगह। ये बड़ी बात है कि यहाँ अब भक्त की बजाय
टूरिस्ट आने लगे हैं और शायद यही भक्ति और भाव की कमी का सीधा उदाहरण है। सबको एसी चाहिए, सबको आराम चाहिए, सबको गाड़ी मंदिर के दरवाजे चाहिए, कैसे होगा? ये बिल्कुल सही बात है। अब आइए बिना देरी किए हुए, कहते हैं कि जैसे किशन जी की चाकरी, किशन जी का प्रेम, किशन जी की सेवा महाराज करते हैं, वैसे यहाँ माँ का भी अलग रोल है। ये बताएंगी कि आखिर आज राधा अष्टमी के दिन कैसा लग रहा है आपको? अत्यंत अत्यंत इतनी खुशी है वो आपको मैं बता नहीं सकती। आज मुझे इतनी अच्छे लग रहा है कि आप भी आए हैं और मेरे सारे भक्त आए हैं, मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज तो वैसे राधा रानी का राज है, उनका जन्मोत्सव है, उसी के और लेडीज ज्यादा है, राधा रानी का राज है, इसीलिए राधा रानी है। सब आई तो मदन मोहन जी कहाँ छुपे हैं आज? मदन मोहन जी तो छुपे थे पर्दे के पीछे, क्योंकि वो अपनी वाइफ को देख नहीं सकते थे इस रूप में। किस रूप में? वो तो अपने आप देखते थे, अब इतने आदमियों के सामने कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसलिए अपना रूप उन्होंने बंद कर लिया। तो कल कल आपने ललिता जी का भी, ललिता सप्तमी बताई, अभिषेक किया था, तो कोई खास खास कारण पहले करते हैं? तो मतलब ललिता जी इनसे बड़ी थी, राधा जी से इनकी सखी ऐसी थी, बड़ी सखी थी इनकी। चलिए, ये बड़ी बात है। तो अब जब राधा अष्टमी की बात हो रही है और मदन मोहन में राधा अष्टमी की बात हो रही है, तो क्या खास है बाकी मंदिरों से यहाँ के राधा अष्टमी का? कुछ खास बात नहीं, ठाकुर जी सब एक है, पर लोगों की धारणा कि मैं सोचती नहीं मेरा मदन मोहन, वो सोचते मेरा गाँव, ठाकुर जी सब एक ही, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना, किसी का मैं कहूँगी जी नहीं 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 देर हो रही है, मुझे प्रसाद बनाना है, मेरे पति देव आ जाएंगे, ऐसी धारणा तो कोई कोई तो घर जाता है, कोई कोई नहीं आता। चलिए, ये बड़ी बात है। आज बहुत असीम ठाकुर जी ने असीम दया करिए, मेरे प्रजा भी मेरी आएंगे, उनको समय नहीं मिलता, ये अमरनाथ घूमते हैं, गोवर्धन की रोज परिक्रमा करते हैं, आज मदन मोहन जी की इसमें आएंगे। नहीं, ये बड़ी बात है, और ये इनके लिए बड़ी बात है क्योंकि आज मदन मोहन जी के धाम में राधा अष्टमी का आनंद ले रहे हैं, और ये हमारे दर्शकों और बाकी सबके लिए। अरे वाह, छोटेपन से उन्होंने दूध की सेवा करी है, आज तक ये डेली रोज मदन मोहन जी दर्शन करके सब अपने घर जाते जी एक हैं जी, और ठाकुर जी की राधा रानी एक हैं जी। तो सरकारों को नहीं लगता कि सब जगह एक जैसा होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, सब भाग रहे हैं, भागते हैं। आज देखिए ना, अब आपने इंटरव्यू लिया, देखना कावड़ा हो जाएगा कि बिहारी जी को, अरे बिहारी जी तो है ही, क्यों नहीं है बिहारी जी, सबके लिए, पर जो अलग मंदिर है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा हमारा मंदिर, हमारा आगे कैसे बढ़ेगा, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा ये मंदिर है? ये सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पहला मंदिर और है, सबसे पहला मंदिर है, बिहारी जी सब बाद में, प्रेम मंदिर अभी बना है, 10 साल हुए होंगे। तो कहने का मतलब है कि बाजार की तड़क भड़क में लोग बिहारी जी को अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, जो बाकी बिहारी को, जो बिहारी जी को, ठाकुर जी को जो सादगी पसंद थी उससे लोग दूर हैं। लोग कह रहे हैं अपना कोई किसी का नहीं है, एक वो उसके सब उसके, पर मेरा विचार अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है। तो आज भक्तों को राधा अष्टमी पर यहाँ मंदिर में माता राधा रानी की तरफ से आप क्या आशीर्वाद देंगी? मैं कह रही हूँ भगवान सबका सुखी रखे, सबको अपना आनंद दे, और सब अपनी अपनी जैसे चल रहे हैं वैसी कृपा करें, मदन मोहन जी को रोज दर्शन करें। बड़ा आनंद है, आप चिंता मत करिए, और भी आनंद होंगे, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। ये अपने आप में आनंद है, क्योंकि आनंद शब्द की अनुभूति वही हो सकती है जहाँ मदन मोहन है। राधा अष्टमी के दिन मदन मोहन पर लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से मैं विजय, गांव की गूंज, दिल्ली तक।